पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज के युग में हो रहे मौसम के बदलाव, दूषित वातावरण व विकृत खान पान के कारण शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, जिनके कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कब्ज, उक्त रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, त्वचा के रोग, गठिया आदि सभी रोग। व्यक्ति इसके लिए डॉक्टर के चक्कर काटता रहता है व दवाइयां खाता रहता है, परंतु जड़ से रोग दूर नहीं होते व इनके साइड इफेक्ट जरूर हो जाते हैं। यदि मनुष्य जो कि 5 तत्वों से बना है, हवा, धूप, मिट्टी, पानी, आकाश, इन्हीं प्राकृतिक 5 तत्वों से दूर हो जाता है, यदि वो प्राकृतिक संधि में आ जाए तो कभी बीमार नहीं हो पाएगा, और यदि रोग हो भी जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इन्हीं जानकारियों को विस्तृत रूप में समझाने के लिए वह व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा स्वयं घर में कर सकते हैं, 6 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर रूपा घोष व डॉक्टर महजवी परवीन के साथ बाहर से आ रहे प्राकृतिक चिकित्सक द्वारा उपचार किया जाएगा। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है, 6 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है प्राकृतिक चिकित्सा, योग और रेकी के लिए। हम सभी 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, लेकिन इन 5 तत्वों की जब कमी होती है शरीर में तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इन रोगों को जो है ठीक करने के लिए यदि हम प्रकृति के सानिध्य में जाएं तो हमारे रोग ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। लोग जटिल रोगों के चक्कर में फंस के डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, अपना शरीर का भी नुकसान होता है और लेकिन वो रोग जड़ से नहीं ठीक होते हैं। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेंगे, प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, तो प्राथमिक उपचार भी हमारे जो है घर से ही हो सकता है। चलिए, रोग अगर जटिल हो चुके हैं तो फिर प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। लोगों को यही चीज घर घर तक पहुंचाने के लिए कि शरीर में ही रोग उत्पन्न हो रहे हैं, 5 तत्वों की कमी से ही रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें हम प्रकृति के सानिध्य में आकर के ठीक कर सकते हैं। इन 5 तत्वों की कमी को प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं। इन्हीं चीजों की जानकारी देने के लिए, जन जन तक ये प्राकृतिक चिकित्सा को पहुंचाने के लिए 6 दिवसीय कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 6 दिनों में पूरे रोग अगर नहीं दूर हो सकते हैं तो कम से कम डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, क्योंकि डिटॉक्सिन्स जब बॉडी में भर जाते हैं तो रोग होते हैं। उन रोगों को अगर हम दूर करना चाहें तो वो फिर हमें डेड टॉक्सिन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। अब डेड टॉक्सिन बाहर कैसे निकले, तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के थेरेपीज हैं, जैसे स्टीम, मड बाथ, मसाज, ऊनी सूती पट्टी, ऊनी गीली चादर की लपेट, हिप बाथ, ऐसे अनेक प्रकार के जो है थेरेपीज हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में किए जाते हैं, योग के द्वारा, रेकी के द्वारा, मड थेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा, मैग्नेटिक थेरेपी के द्वारा जो है सारे ही रोगों का निदान किया जा सकता है।